मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूं, कॉल दे रहा हूं इस इंपोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ। मुझे अगर अकेले भी निकलना पड़े मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। ना बस बस ना ना मुझे अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है, कौम को भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब अल्लाह से आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई सिवा अल्लाह के, कोई खुदा अल्लाह के सिवा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकते सिवा अल्लाह के, आपके अल्लाह खौफ दूर कर देता है। तो मैं अपनी कौम के भी आज तैयार कर रहा हूं कि मैं किसी सूरत ये जो मेरी कौम पे डाका डाला जा रहा है इन चोरों का, मैं ये कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा और मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। कॉल की सारे मेरे इंतजार करना और जब मैं कॉल दूंगा इंशाल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप मेलू को भी दावत दें और डीजल को भी। डीजल से पूछे, डीजल से एक सवाल पूछे कि अल्लाह तो हमें वाज़े तौर पे कुरान में हुक्म देता है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, तो तुम डीजल साहब चोरों के साथ कैसे खड़े हो गए हो? और मेलू से पूछो कि मेलू तुम्हारा तो जो बड़े थे वो बादशाह खान था, एक बड़ा लीडर था, तुम ये किधर जाके एक मुजरिम एक सजा याफ्ता नवाज शरीफ के चेले बन गए हो? पूछे उसे। और एडवर्ड्स कॉलेज, मैं आप सबको आखिर ये कहता हूं, आपने बनना है फ्यूचर लीडर्स और आपने हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होना है, जुल्म का मुकाबला करना है, हमेशा आपने अच्छाई के साथ अमर बिल मारूफ अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जिहाद करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।